ईशान और सभी की प्रेम कहानी। ईशान और सभी की प्रेम कहानी जो टेलीविजन धारावाहिक गुम है किसी के प्यार में दिखाई गई है, एक दिलचस्प सफर है जिसमें नोकझोंक, गलतफहमी और प्यार का धीरे धीरे खिलना शामिल है। आइए उनकी कहानी के कुछ प्रमुख पड़ावों को देखें। पहली मुलाकात और तकरार। सभी अपने मजबूत नैतिक सिद्धांतों के साथ एक ईमानदार और सच्ची लड़की है। वहीं दूसरी तरफ ईशान को थोड़ा बिगड़ा हुआ युवक दिखाया गया है। उनकी पहली मुलाकात तभी होती है जब सभी किसी गलत काम को होते हुए देख लेती है और उसका विरोध करती है। यह उनके बीच तकरार की शुरुआत होती है। समझौता और धीरे धीरे बनती बॉन्डिंग। कई परिस्थितियों में ईशान को सभी की ईमानदारी और दृढ़ता का सामना करना पड़ता है। वह धीरे धीरे उसे समझने लगता है और उसका सम्मान करने लगता है। वहीं सभी ईशान के अच्छे पक्षों को भी देख पाती है, जैसे कि उसकी मदद करने की इच्छा। उनके बीच धीरे धीरे एक खास रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। प्यार का एहसास और चुनौतियाँ। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता है, उन्हें एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास होने लगता है। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ईशान के परिवार का रूढ़िवादी रवैया और सभी के माँ बाप की गैर मौजूदगी उनके रिश्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। साथ ही ईशान की पुरानी प्रेमिका रीवा की वापसी भी उनके प्यार की परीक्षा लेती है। एक दूसरे का साथ देना और प्यार का परवान चढ़ना। इन चुनौतियों के बावजूद ईशान और सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। सभी ईशान को उसके परिवार के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है, वहीं ईशान सभी को हर मुश्किल का सामना करने में मदद करता है। उनका प्यार मजबूत होता जाता है और धीरे धीरे उनके परिवार वाले भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। फ्यूचर स्टोरी लाइन। फिलहाल धारावाहिक में दिखाए गए अनुसार ईशान और सभी के रिश्ते की कहानी अभी अधूरी है। यह देखना बाकी है कि क्या वे शादी कर पाएंगे और भविष्य में उनके जीवन में क्या चुनौतियां आएंगी। यह प्रेम कहानी दर्शाती है कि प्यार उम्र, सामाजिक स्थिति या परिस्थितियों से बंधा नहीं होता। यह ईमानदारी, सम्मान और एक दूसरे के लिए खड़े होने के महत्व को भी रेखांकित करती है। ध्यान दें, यह कहानी गुम है किसी के प्यार में धारावाहिक पर आधारित है और हो सकता है कि भविष्य के एपिसोड में कहानी में कुछ बदलाव आए।